हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए वैरायटी एकेडमी। स्टूडेंट्स, न्यू ईयर के टाइम पर हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स की बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि हम ऐसे करंट अफेयर्स को डिस्कस करें, तो हम यहाँ पर इस सीरीज को लेकर आए हैं जिसमें हम सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, चाहे वो सेंटर, स्टेट, SSC, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हर इंपॉर्टेंट न्यूज को हर इंपॉर्टेंट एंगल से कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो जो हमारी पहली वीडियो है उसमें हम 25th और 26 दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू विच कंट्री इंडिया हैज ग्रांटेड 2.2 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, तो कहां पर गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए इंडिया ने 2.2 करोड़ रुपीस दिए हैं? आर्म फोर्स स्कूल के लिए। ठीक है, आर्म पुलिस फोर्स स्कूल के लिए। तो आपको बता दूं कि ये हमारे पास दिए गए हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास दिए गए कौन सी कंट्री को? सो ये दिए गए हैं नेपाल को। ठीक है, राइट आंसर है नेपाल। नेपाल में ये हमारे पास आर्म पुलिस फोर्स स्कूल है जो कि 2005 से काम कर रहा है। ठीक है, ओके। तो जब हम नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के बारे में कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जरा एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ लीजिए। नेपाल के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, वो है कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है चितवन नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है नेपाल में चितवन नेशनल पार्क। वाई? क्योंकि ये हमारे पास एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको पता होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है, तो ये हमारे पास एक तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें हमारे पास वन होर्न राइनो मिलते हैं, एशिया के वन होर्न राइनो। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे। ठीक है, सो अगर हम बात करें इंडिया में वन होर्न राइनो कहां मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। इंडिया में वन होर्न राइनो कहां मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, और वर्ल्ड की टॉप 10 में से 8 टॉलेस्ट माउंटेन हमारे पास कहां है? माउंटेन दैट इज इन नेपाल, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है। ठीक है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट माउंटेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च स्पेस फोर्स। ठीक है, किस कंट्री ने अपने यहां पर एक स्पेस फोर्स लॉन्च की है? ठीक है, फोकसिंग ऑन वारफेयर इन स्पेस। तो देख लेते हैं हम, सही ऑप्शन है हमारे पास यूएस। ठीक है, यूएस हमारे पास एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने यहां पर 6th ब्रांच ऑफ आर्म फोर्स लॉन्च की है। इससे पहले हमारे पास क्या था कि यूएस आर्मी थी, यूएस एयरफोर्स थी, यूएस नेवी थी, यूएस मरीन एंड यूएस कोस्ट गार्ड एग्जिस्ट करते थे। ये यहां पर हमारे पास 6th आर्म्ड फोर्स है यूएस की। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, 6th आर्म्ड फोर्स ऑफ यूएस। ठीक है, और हमारे पास आपको याद रखना है कि यूएस के डिफेंस को लेकर सारे डिसीजन कौन लेता है? हमारे पास पेंटागन। ठीक है, यूएस का जो डिफेंस हेडक्वार्टर है वो पेंटागन नाम की एक बिल्डिंग में सिचुएटेड है। वो पेंटागन शेप में ही हमारे पास वो बिल्डिंग है। ठीक है, तो किस कंट्री को क्या डिफेंस इक्विपमेंट बेचना है, क्या नहीं बेचना, वो सब पेंटागन हमारे पास डिसाइड करता है। राइट नाउ यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जिनके प्रमोशन ऑफ इंपीचमेंट गोइंग ऑन है, प्रोसेस अभी चल रहा है। आपने याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं हमारे पास रिपब्लिकन पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्यूबा सिंस 1976। 1976 के बाद पहली बार कौन क्यूबा का नया प्रधानमंत्री बना है? ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन है मैनुअल मोरन कोरास। ठीक है, मैनुअल मोरो कोरास। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा क्यों हुआ कि इतने टाइम तक यहां पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं था? तो इसका रीजन है हमारे पास इनके फॉर्मर लीडर फिडल कास्ट्रो। फिडल कास्ट्रो नाम के जो लीडर थे, उन्होंने 1976 में यहां पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहां पर इतने समय बाद, ठीक है, फिर से एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है। जब हम क्यूबा की बात करते हैं तो यूएस के बिल्कुल नियर बाय ये कंट्री है हमारे पास क्यूबा, और इसमें प्रेसिडेंट के नाम, प्रेसिडेंट का नाम भी हम देख लेते हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा? तो ये आप याद रखें, करंट प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा है एम डियाज कैनाल। ठीक है, ये हमारे पास प्रेसिडेंट है क्यूबा के। और हमारे पास फिडल कास्ट्रो के जो ब्रदर हैं, जिनका नाम है हमारे पास राउल कास्ट्रो, ये भी आप नाम याद रखेंगे। हमारे पास यहां पर क्यूबा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं राउल कास्ट्रो। ये किस पोजीशन पे अपॉइंटेड है ये भी आप देख लीजिए। ये अपॉइंटेड है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। ये बने हैं फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। कहां की कम्युनिस्ट पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। डॉक्टर संगीता रेड्डी हमारे पास किस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट नियुक्त हुई है 2019-2020 के लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास, नेस्कॉम, टेरी, CII, फिक्की। तो सही ऑप्शन जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है हमारे पास फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की मैं बात करूं स्टूडेंट, 1927 में इस संस्था को बनाया गया था। कौन से ईयर में? 1927 में। किसने इसको एस्टेब्लिश किया था? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जी डी बिरला।
किसने एस्टेब्लिश किया था? जीडी बिरला ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। जी हाँ, ये संस्था महात्मा गांधी के एडवाइस पर बनी एक संस्था है, जिसका हमारे पास काम क्या था, जिसका काम हमारे पास क्या है, तो ये है बिजनेस एसोसिएशन ऑफ फिकीज ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, फिकीज एन एसोसिएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो बिजनेस है उसको एसोसिएट करके रखना, बांधे रखना, ये हमारे पास फिकी का मेन काम है। नेक्स्ट हमारे पास फीफा का अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा का वुमेन अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम कौन सी सिटी में होने जा रहा है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारे पास वो है हमारे पास ये सब, ठीक है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है अहमदाबाद, गुजरात। देखिए स्टूडेंट, पहली बात जो आपको याद रखनी है कि फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, उसके लिए जो वेन्यू है, मतलब कि किस कंट्री में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा, वो है इंडिया। ठीक है, कौन सी कंट्री में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, इंडिया में, और इंडिया के चार शहर इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो चारों के चारों शहरों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला शहर जो हमारे पास आ जाता है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, पहला शहर जो हमारे पास आ जाता है वो है भुवनेश्वर। उसके बाद जो नेक्स्ट शहर हमारे पास आ जाता है वो है कोलकाता। ठीक है, फेमस सिटी फुटबॉल के लिए, यहाँ पर सॉल्ट लेक स्टेडियम भी है, आप याद रखेंगे सॉल्ट लेक स्टेडियम बहुत फेमस स्टेडियम है कोलकाता का। नेक्स्ट हमारे पास गुवाहाटी, ठीक है, और लास्ट हमारे पास अहमदाबाद। तो आप याद रखेंगे इन चार शहरों में हमारे पास फुटबॉल का अंडर 17 वर्ल्ड कप, वुमेन अंडर 17 वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2020 में। आपको बता दूं कि इंडियन टीम यहां पर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गई है, क्योंकि फीफा का जो फुटबॉल की रेगुलेटरी बॉडी है उसका एक रूल है कि जो भी होस्टिंग कंट्री होती है उसकी टीम ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है। तो इसी वजह से हमारे जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, AIIF, जो इंडिया में फुटबॉल को मेंटेन करती है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, उसने थॉमस डेनबरी को, ठीक है, नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट, नाम है हमारे पास थॉमस डेनबरी। ठीक है, थॉमस डेनबरी को अपॉइंट किया है यहां पर कोच, ठीक है, फॉर द इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम। ठीक है, तो नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे हमारे पास कब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, सो आप ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन है हमारे पास ये, हमारे पास ये सब ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन जो इसमें है वो है 22nd of December। ठीक है, राइट ऑप्शन जो इसमें है वो है 22nd of December। श्रीनिवास रामानुजम इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जाने माने मैथमेटिशियन थे, और यंगेस्ट फेलो थे, ठीक है, सबसे कम उम्र में, ठीक है, यंगेस्ट फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, लंदन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटी है जिसको हम बोलते हैं रॉयल सोसाइटी, तो उसके सबसे कम उम्र में इनको फेलोशिप मिल गई थी इनके टैलेंट को देखते हुए। ठीक है, इनके नाम पर, इनकी बट बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी, 32 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनके नाम पर हम एक हर साल अवार्ड भी देते हैं जिसका नाम है शास्त्रा रामानुजम अवार्ड। ठीक है, अवार्ड का नाम आप याद रखेंगे, शास्त्रा रामानुजम अवार्ड। ठीक है, तो इस बार का 2019 का शास्त्रा रामानुजम अवार्ड किसको मिला है, ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा सकता है, तो वो मिला है एडम हार्पर को। नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं, किसको मिला है, एडम हार्पर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ल्ड फेमस नंबर है 1729। ठीक है, 1729, इस नंबर को हम वर्ल्ड फेमस जानते हैं, ये है हार्डी रामानुजम नंबर, इनके कलीग थे हार्डी, और उनके और रामानुजम के नाम पर इस नंबर को जाना जाता है एज हार्डी रामानुजम नंबर। ठीक है, सो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, हार्डी रामानुजम नंबर। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चले चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड द एज द नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस। 23 दिसंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी हम ऑब्जर्व करते हैं फार्मर दिवस और किसान दिवस के रूप में, तो ऑप्शन हमारे पास ये सामने रहे, तो करेक्ट ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो है वो 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, याद रखेंगे कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करते हैं किसान दिवस। और आपको मैं एक और चीज बता दूं स्टूडेंट, इनको एक और नाम से जाना जाता था, चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट। ठीक है, इनको एक नाम से जाना जाता था, इज नोन टू बी द चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट। ठीक है, इंडिया के जो फार्मर हैं उनके चैंपियन के रूप में इसको जाना जाता था। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली फार्मर्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी फार्मर्स को मेनली प्रॉब्लम इंडिया में फेस कर रहे थे अपने टाइम में, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कोशिश की, तो इसी वजह से इनकी जो समाधि है हमारे पास दिल्ली में उसको किसान घाट के रूप में जाना जाता है। इनकी जो समाधि है दिल्ली में उसको किसान घाट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि किसकी समाधि को किसान घाट के रूप में जाना जाता है, वो है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन पार्लर है सेटअप
आप विच रेलवे स्टेशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन को कॉम्बेट करने के लिए कौन से रेलवे स्टेशन पे हमारे पास ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारे पास नासिक, ठीक है, सही ऑप्शन जो है हमारे पास वो है नासिक, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पहले बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है, एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, और हमारे पास पूरे एटमॉस्फेयर में ऑल दो 20.8% ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर में, लेकिन हमारे पास पॉल्यूटेड एरियाज में आपको जो प्योर ऑक्सीजन है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हमारे पास ऑक्सीजन पार्लर बनाया गया है, और इसके लिए रेलवे ने हमारे पास इंडियन रेलवे ने टाई अप किया है एरोगार्ड के साथ। पहली बात तो आपने याद रखना है कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है, एरोगार्ड नाम की एक एसोसिएशन के साथ टाई अप किया है इन्होंने। यहां पर ये ऑक्सीजन पार्लर जो बनाया है इसके अंदर लगभग 1500 पेड़, ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो 1500 प्लांट्स यहां पर बेसिकली प्लांट किए जाएंगे और इस तरह से हमारे पास क्या कंसेप्ट किया जाएगा, हमारे पास क्या बनाया जाएगा, ऑक्सीजन पार्लर। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, कहां बनाया गया है, नासिक में। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज डिसाइडेड टू हैव अ कॉमन करेंसी इको। देखिए कितनी हमारे पास कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एक कॉमन करेंसी लॉन्च की है इको। देखिए आपको मैं स्टूडेंट यहां पे बता दूं कि पहले से ही हमारे पास एक करेंसी इन 8 कंट्रीज में चल रही थी, ठीक है, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 8 कंट्रीज ने हमारे पास कॉमन करेंसी लॉन्च की है इको, तो पहले से यहां पर करेंसी एक ऑनगोइंग थी, चल रही थी, जिसका नाम था CFA फ्रैंक। हमारे पास CFA फ्रैंक, ये मेनली अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनका नाम है आइवरी कोस्ट, माली, ठीक है, बुरकिना फासो, बेनिन, नाइजर, सेनेगल, टोगो एंड जिनेवा बेसिन। तो टोटली 8 कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे पास ये करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है इको। तो पहले इसको जाना जाता था CFA फ्रैंक के नाम से और अब इसको जाना जाएगा इको के नाम से। एक्चुअली ये हमारे पास ज्यादातर वो कंट्रीज है जिनके ऊपर फ्रांस ने कॉलोनियल टाइम में रूल किया है, तो फ्रांस ने अपनी कंट्री से यहां पर इन्फ्लुएंस रखते हुए एक करेंसी लॉन्च कराई थी। अब यहां पर ये कंट्रीज चाहते हैं कि फ्रांस की इकोनॉमी का या फ्रांस की जो सेंट्रल बैंक है उसका कोई भी इन्फ्लुएंस इस करेंसी पे ना रहे, तो उन्होंने इसको रीनेम किया है और उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करे 2020 में लॉन्च कर रहे हैं। हाँ जी क्लियर। आपको बता दूं कि ये सब हुआ आइवरी कोस्ट के अंदर, ये सारा इवेंट कहां पे हुआ, आइवरी कोस्ट नाम की कंट्री के अंदर, ठीक है, आइवरी कोस्ट के अंदर ये अनाउंसमेंट हुई, ठीक है। आइवरी कोस्ट के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा स्टूडेंट, आइवरी कोस्ट वर्ल्ड का टॉप कोकोआ प्रोड्यूसर कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कोकोआ प्रोडक्शन होती है, ठीक है, याद रखेंगे SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कोकोआ प्रोडक्शन होती है वो कहां होती है हमारे पास, दैट इज इन आइवरी कोस्ट, ठीक है। सो 8 कंट्रीज ने, अफ्रीकन कंट्रीज ने एक नई कॉमन करेंसी लॉन्च की है इको। नेक्स्ट हमारे पास, कौन सी कंट्री ने हमारे पास इमरजेंसी डिक्लेयर की है आफ्टर द फ्यूल स्पिल इन द गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं हम। हमारे पास सही आंसर है इक्वाडोर। तो इक्वाडोर ऐसी कंट्री है जिसने इमरजेंसी डिक्लेयर की है, ठीक है, यहां पर ऑयल स्पिल होने की वजह से। देखिए मैं आपको स्टूडेंट यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारे पास 600 गैलन, बहुत बड़ा नंबर है, 600 गैलन ऑफ ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है। ये स्पिल का मतलब क्या होता है, समुद्र के तल पर फैल जाना, ठीक है, ऑयल का फैल जाना। एक्चुअली क्या था, एक बहुत बड़ा जहाज जो ऑयल को कैरी कर रहा था वो यहां पर डूब गया और उसकी वजह से 600 गैलन ऑयल जो है यहां पर गैलापागोस आर्किपेलागो, आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक वर्ड में यहां पर यूज कर रहा हूं, आर्किपेलागो, ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम क्या बोलते हैं, आर्किपेलागो, तो ये आप याद रखेंगे। तो हमारे पास जो गैलापागोस आर्किपेलागो है, ठीक है, पेगोस आर्किपेलागो, तो यहां पर ये सब देखने को मिला, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इक्वाडोर की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इक्वाडोर एक वर्ल्ड की बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है, जी हाँ, और दो ये हमारे पास साउथ अमेरिका में है लेकिन ये ऑयल की प्रोडक्शन करता है और इसने अभी डिसीजन लिया है कि 2020 में दैट गोइंग टू क्विट ओपेक, ये ओपेक की मेंबरशिप छोड़ देगा, ये भी आप याद रखेंगे कि कौन सी कंट्री ओपेक की, ओपेक क्या है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी मेंबरशिप छोड़ने जा रहा है 2020 में, तो वो है आंसर हमारे पास इक्वाडोर, ठीक है, वो हमारे पास कंट्री है इक्वाडोर। आपको बता दूं कि स्टूडेंट ये जो गैलापागोस है यहां पर एक नेशनल पार्क भी है, जी हाँ यहां पर भी एक नेशनल पार्क है और ये भी हमारे पास यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, ये बहुत ही हमारे पास खूबसूरत एक नेचुरल ब्यूटी सिस्टम हमारे पास है आर्किपेलागो का, तो ये भी हमारे पास एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हो सकता है पेपर में नियर फ्यूचर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे पास ये जो गैलापागोस आइलैंड्स है ये हमारे पास कौन सी कंट्री के आइलैंड्स है, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज द आइलैंड ऑफ इक्वाडोर। नेक्स्ट हमारे पास, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन CTO एट द फेडरल कम्युनिकेशन, ठीक है, इन द USA, फेडरल कम्युनिकेशन इन द USA में हमारे पास कौन हमारे पास यहां पर CTO बना है, CTO मींस चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, CTO का मतलब होता है चीफ टेक्निकल ऑफिसर एट द फेडरल कम्युनिकेशन
ठीक है, कमीशन, ये फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ये यहाँ पर स्टूडेंट यूएसए का सेंटर लेवल पर जो कम्युनिकेशन का सेटअप है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये मोनिशा घोष को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, सही आंसर है हमारे पास मोनिशा घोष, इंडियन ओरिजिन से है। आपको आपको स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो चेयरमैन ऑफ एफसीसी है, ठीक है, राइट नाउ जो चेयरमैन है, ठीक है, एफसीसी के, एफसीसी यानी कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, वो भी इंडियन है, ठीक है, और उनका नाम है अजीत राय, ठीक है, उनका नाम है अजीत पाई, ठीक है, अजीत राय, सॉरी। सो अजीत राय की बात मैं करूं तो ये हमारे पास जो अपनी रिपोर्ट देंगी वो अजीत राय को ही सबमिट करेंगे, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विल सेलिब्रेटिंग इट्स 50th मीटिंग इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, सही आंसर है हमारे पास स्विट्जरलैंड, ठीक है। आपको स्टूडेंट यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है बेसिकली, ठीक है, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था जनवरी 1971 में, तो हमारे पास जनवरी 2020 में इसको जो है हमारे पास 50 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 50 ईयर्स इसको कंप्लीट होने जा रहे हैं। और इसमें हेडक्वार्टर आप देख लीजिए, हेडक्वार्टर में आपको एग्जैक्ट सिटी बता देता हूँ, हेडक्वार्टर जो है वो क्लोगनी में है, क्लोगनी इन स्विट्जरलैंड, और इसके जो फाउंडर और करंट चेयरमैन है, ठीक है, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ WF, वो उनका नाम ही हम देख लेते हैं, उनका नाम है क्लॉस स्क्वैब, ठीक है, और ये पिक्चर में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, द पर्सन इन द पिक्चर, ठीक है, ये हमारे पास क्लॉस स्क्वैब, और ये हमारे पास द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करता है, उस रिपोर्ट का नाम है हमारे पास जेंडर गैप इंडेक्स। जी हाँ, हमारे पास हर साल एक रिपोर्ट रिलीज करता है जेंडर गैप इंडेक्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया का जेंडर गैप इंडेक्स में क्या रैंक रहा है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास World which organization has released the third edition of global report on trend in the relevance of tobacco use? ठीक है, tobacco use के ऊपर एक report आई है, तो ये report किसने दी है? ये report दी है हमारे पास WHO ने, ठीक है, WHO ने हमारे पास ये report दी है जिसमें हमारे पास tobacco usage के बारे में WHO ने पूरे world को बताया है। इसमें कुछ important facts सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि हर साल 17.9 million लोगों की death होती है just because of tobacco। ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए आपने याद रखना स्टूडेंट वर्ल्ड नो टबैको डे, हमारे पास वर्ल्ड नो टबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड नो टबैको डे हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 31st of May। ठीक है, 31st of May को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। ठीक है, और आपको एक क्वेश्चन मैं और बता दूं कि अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि वर्ल्ड में सबसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग टबैको का कौन है, लीडिंग प्रोड्यूसिंग टबैको कंट्रीज, तो वो है चाइना। सबसे ज्यादा टबैको की प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करती है? चाइना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास विच कंट्री विल होस्ट द 17th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट इन 2020। 2020 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का समिट जो है वो हमारे पास कौन सी सिटी होस्ट करेगी, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन है ब्रसल्स, बेल्जियम। ठीक है, हमारे पास बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रसल्स, तो यहां पर ये हमारे पास समिट होगा। यूरोपियन यूनियन की जब भी मैं बात करता हूं स्टूडेंट, तो यूरोपियन यूनियन में पहली बात तो आपने याद रखना है, इट्स अ 28 मेंबर स्टेट। ठीक है, 28 मेंबर स्टेट हमारे पास यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और यहां पर ब्रिटेन यहां पर एग्जिट करने जा रहा है, ऐसा वो मन बना चुका है। अभी देखते हैं कि वो कब एग्जिट करता है, उसके बारे में अभी फाइनलाइज कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपने याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारे पास इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जी हाँ, हम सबसे ज्यादा जो व्यापार वर्ल्ड वाइड करते हैं वो अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो सबसे ज्यादा हम व्यापार करते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। इंडिया का लगभग 12.5% जो ट्रेड है, ओवरऑल ट्रेड, वो हमारे पास यूरोपियन यूनियन के साथ है, यानी कि यूरोपियन यूनियन इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाई है। ठीक है, और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता देता हूं। इंडिया सिर्फ ट्रेड के बारे में बात नहीं करता, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी यूरोपियन यूनियन के साथ बात करते हैं, इसीलिए हमारे पास यूरोपियन यूनियन अपना जो नया नेविगेशन सिस्टम बना रहा है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जी हाँ, जैसे GPS यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है, तो यूरोपियन यूनियन अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम बना रहा है। इसके लिए इंडिया जो है हेल्प करेगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन जो अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बना रहा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है गैलीलियो। ठीक है, जी हाँ, एक साइंटिस्ट के नाम पर। ठीक है, गैलीलियो के नाम पर। ओके, तो ये आप याद रखेंगे कि हमारे पास यूरोपियन यूनियन का जो नेविगेशन सिस्टम होगा उसका नाम होगा गैलीलियो, और इंडिया इसको बनाने में यूरोपियन यूनियन की हेल्प कर रहा है। और हमारे पास यूरोपियन यूनियन इंडिया का 2020 में समिट कहां होगा? 17वां समिट, ये होगा ब्रसल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज देख लेते हैं स्टूडेंट। किस बैंक ने $210 मिलियन इरीगेशन के लिए और हमारे पास सोलर एनर्जी
प्रोजेक्ट्स के लिए देने का वादा किया है इंडिया को, तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड, तो आपने याद रखना है 2016 में इसने अपने फुल फ्लेज ऑपरेशन स्टार्ट किए, ठीक है, और ये हमारे पास बनाया गया है चाइना के इनिशिएटिव पर। जी हाँ, चाइना इसमें डोमिनेटिंग मेंबर है, चाइना मेजोरिटी शेयर होल्डर है और चाइना के इनिशिएटिव पर ये बैंक बना है, ठीक है। और इसमें राइट नाउ कितने मेंबर्स हैं ये आप याद रखेंगे, कितने मेंबर्स हैं, 74। जी हाँ, कितने मेंबर्स हैं, 74 मेंबर्स कंट्रीज हैं इसमें। और इसकी स्टार्टिंग कैपिटल जो थी, इसको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग कैपिटल रखी गई थी, दैट इज $100 billion। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अमाउंट। और चाइना इसको यूज करेगा एज अ बैंक टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभुत्व है, वो पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है, जो कि यूएस की डोमिनेंस में है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए हमारे पास चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है। क्या इंडिया इसमें मेंबर है? जी हाँ, इंडिया इसमें बिल्कुल मेंबर है और दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चाइना के बाद, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में चाइना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो कौन है? इंडिया है, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट का नाम भी हम देख लेते हैं, अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है जिन लिकैन, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट है जिन लिकैन, ये चाइना से है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसको यूनिसेफ हम बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है, उसने स्वच्छ भारत मिशन के लिए हमारे पास किसको अवार्ड दिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये अवार्ड जो है वो मिला है कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना को, ठीक है, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना को ये अवार्ड मिला है। आप इसमें दो चार पॉइंट्स जो है वो और समझ लीजिए। जब मैं बात करता हूँ स्वच्छ भारत मिशन की, तो स्वच्छ भारत मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री। जी हाँ, ठीक है, जो इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव था वो था टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी हिंदी में बात करूं तो खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, ठीक है। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014 में और इसका टारगेट था कि 2019 तक इसको कंप्लीट किया जाए। तो 2019 तक ये प्रोग्राम चला, ठीक है, और इसके तहत भारत में ऐसा कहा जाता है कि 11 मिलियन टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, 11 मिलियन टॉयलेट्स का निर्माण हुआ और इंडिया ने अपने आप को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया। तो इस मिशन में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमारे पास कौन सी यहां पर डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है, तो आपने याद रखना है वो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और ये हमारे पास कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कहां है, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल राइट नाउ हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल हमारे पास क्या है, हैदराबाद, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूज देख, किसको हमारे पास 50th दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, ठीक है, किस इंडियन एक्टर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, तो राइट आंसर है अमिताभ बच्चन, ठीक है, राइट आंसर आप देख लीजिए, राइट आंसर है हमारे पास अमिताभ बच्चन। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट, दादा साहब फाल्के अवार्ड। किसकी तरफ से दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और इस अवार्ड के अंदर हमारे पास 10,00,000 रुपए का कैश प्राइस दिया जाता है, ठीक है, और हमारे पास एक मेडलिन दिया जाता है। आपने स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि ये अवार्ड पहली बार कब शुरू किया गया था, तो ये अवार्ड पहली बार दिया गया था 1969 में और इसकी फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थी? देविका रानी। इसकी जो फर्स्ट रेसिपिएंट थी वो थी देविका रानी। ये अवार्ड स्टूडेंट शुरू किया गया था इन द मेमोरी ऑफ दादा साहब फाल्के। ये अवार्ड किसकी मेमोरी में शुरू किया गया था? इन द मेमोरी ऑफ दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फादर कंसिडर किया जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ऐसा क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास जो पहली इंडियन मूवी थी, ठीक है, वो बनी थी 1913 में, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो उस मूवी को बनाने में अहम रोल प्ले किया था हमारे पास किसने? दादा साहब फाल्के ने। तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, ठीक है, एसोचैम हमारे पास एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारे पास निरंजन हीराचंदानी, ठीक है, हीरानंदानी, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास एपेक्स ट्रेड एसोसिएशन है जिसका काम है टू प्रमोट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। एसोचैम का काम होता है स्टूडेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, और ये ऑर्गेनाइजेशन आज से नहीं 1921 से भारत में काम कर रही है। जी हाँ, यानी कि भारत की पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। तो इसके जो हमारे पास नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है निरंजन हीरानंदानी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास वाज अपॉइंटेड एज 33rd फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। फॉरेन सेक्रेटरी का काम होता है जितने भी हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं उनको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करना, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या चल रही है उसको बनाने में इनका एक अहम योगदान रहता है, ठीक है। तो फॉरेन सेक्रेटरी की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जी हाँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कहते हैं। तो विजय केशव गोखले अभी राइट नाउ हमारे पास फॉरेन सेक्रेटरी थे और उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। हमारे पास कौन रिप्लेस करेंगे, तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है। हर्षवर्धन श्रृंगला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि हर्षवर्धन श्रृंगला अपॉइंटेड एज 33rd फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इस पोजीशन पर सबसे पहले अपॉइंट हुए थे केपीएस मेनन, ठीक है। आजादी के बाद हमारे फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे ये भी आप याद रख सकते हैं, वो है केपीएस मेनन, ओके। बहुत ही बड़े लेवल के डिप्लोमेट इनको माना जाता था, तो आजादी के बाद इनको अपॉइंट किया गया था फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट हमारे पास किस कंट्री ने मिलकर CBERS-4A सैटेलाइट को लॉन्च किया है अमेजन रेन फॉरेस्ट को मॉनिटरिंग करने के लिए, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चाइना एंड ब्राजील। तो पहली बात, ये अमेजन रेन फॉरेस्ट आपको कहां मिलेंगे, साउथ अमेरिका में। तो चाइना और ब्राजील ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट, ठीक है, 4A। तो हमारे पास ये जो प्रोग्राम है इसके थ्रू चाइना हेल्प करेगा ब्राजील की उसके फॉरेस्ट को मॉनिटर करने में, फायर वगैरह के इंसिडेंट अगर होते हैं तो उसके बारे में रिपोर्ट करने में, उन सब चीजों पर नजर रखने में। आपको बता दूं कि चाइना ने अभी इस साल अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम ऑपरेशनल कर लिया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट चाइना के लिए रही कि उसने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम ऑपरेशनल कर लिया है। उसका नाम आप याद रखेंगे, उसका नाम है बायडू, ठीक है। चाइना के जो खुद के नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है बायडू। बायडू उनकी नेटिव लैंग्वेज में है, अगर आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ये भी बनेगा कंपास, ये बनेगा कंपास। तो ये आपने याद रखना है कि बायडू नेविगेशन सिस्टम कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो आपका आंसर रहेगा चाइना, ओके। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है कि फीफा के जो क्लब वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो किसने जीता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, फीफा का जो क्लब जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 उसको किसने जीता है, उसको जीता है लिवरपूल ने। देखिए हमारे पास स्टूडेंट फुटबॉल के अलग अलग क्लब्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में भी जैसे फुटबॉल के कई क्लब हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब है, चेन्नईन फुटबॉल क्लब है, ठीक है। तो अलग अलग फुटबॉल क्लब है, तो उनका वर्ल्ड कप हमारे पास ऑर्गेनाइज करता है फीफा। पहली बात, ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, पहला क्वेश्चन तो मेरे लिए ही आ जाता है। तो आपने स्टूडेंट याद रखना है कि जो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, किसको लेकर, क्लब वर्ल्ड कप, तो ये हुआ था हमारे पास, वेन्यू था कतर, ठीक है, वेन्यू था हमारे पास कतर, ओके। इसके अलावा फीफा की जब मैं बात करता हूं तो आपने याद रखना है कि फीफा रेगुलेटरी बॉडी है फुटबॉल की, और ये टाइटल जिसने जीता है वो जीता है लिवरपूल ने। लिवरपूल इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है, ये कहां का एक फुटबॉल क्लब है, इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है। और किसको डिफीट किया इसने, ये भी आप याद रखेंगे, तो इसने किस क्लब को डिफीट करके क्लब वर्ल्ड कप टाइटल जीता है, तो इसने डिफीट किया है हमारे पास फ्लैमिंगो फुटबॉल क्लब को, ठीक है। ये कहां का फुटबॉल क्लब है, ये फुटबॉल क्लब है हमारे पास ब्राजील का, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ जी, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2019, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे हमारे पास 2019 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास कब ऑब्जर्व किया गया, 24th ऑफ दिसंबर को, और इसकी थीम क्या रही, तो थीम के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। तो आपने इसमें याद रखना है कि इसकी जो थीम थी वो थी अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवेंसेज एंड फर्स्ट ऑप्शन ए, ठीक है, एंड डिस्प्यूट रिड्रेसल, ओके। इसके बारे में आपको बता दूं कि स्टूडेंट कंज्यूमर राइट्स डे हमारे पास नेशनल कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया जाता है 24th दिसंबर को, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है 15th ऑफ मार्च को। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15th ऑफ मार्च को, तो ये आपने याद रखना है। और ये हमारे पास 24th ऑफ दिसंबर को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पार्लियामेंट में इसी दिन पास हुआ था, तो इसीलिए 24th ऑफ दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट डे, जिसकी थीम थी अल्टरनेट कंज्यूमर ग्रीवेंसेस एंड डिस्प्यूट रीएड्रेसल। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास करंट अफेयर्स एमसीक्यू बेस फॉर्म में। तो आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आपको कोई सजेशन देना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।